गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका जूही लाइफस्टाइल में। तो कैसे हैं आप सब लोग? आए हो प्रे लेके आप सब लोग ठीक हो गए, और अभी जस्ट सो के उठी हूँ और आज है संडे। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या होता है। और आई एम सो सॉरी, इतने दिन से ब्लॉग नहीं आ रहा था, तो बताऊँगी आगे वीडियोज़ में। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सारी सब कुछ बताऊँगी कि क्यों नहीं आ रहा था ब्लॉग और क्या रीज़न है। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं सो के उठ चुकी हूँ, और बस अभी जा रही हूँ, ब्रश वगैरह करूँगी, देन उसके बाद नहा धो के कुछ बनाती हूँ, फिर खाऊँगी। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और अभी जस्ट सो के उठी हूँ गाइस, बस मुँह धुलाया मैंने, तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय। हेलो एवरीवन, तो मैं आपको व्यू दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, और बारिश देख सकते हैं कितना ज़्यादा बारिश आ रहा है। सैटरडे से ही बारिश आ रहा है, जैसे कि सैटरडे मॉर्निंग से ही, पता नहीं रात को कितने बजे से आ रहा है, बट अभी तक आ रहा है और बहुत तेज़ बारिश आ रहा है। देख सकते हैं कोई भी नहीं दिख रहा है, और इतना तेज़ बारिश आ रहा है कि क्या ही बताऊं। तो संडे का दिन है, छुट्टी वाला दिन है, और इंजॉय तो फुल ऑन हो रहा है। जैसे कि बारिश का मौसम हो और गर्मा गर्म टेस्टी टेस्टी बनाइए और खाइए, तो वही हो रहा है आज। तो मैं सबसे पहले जा रही हूँ, ब्रश करके आती हूँ, और ये मैं आपको दिखा रही हूँ जो मैं नाइट सूट लेके आई थी, वही पहनी हूँ, वही मैं आपको दिखा रही हूँ, बट फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है मैंने। तो मैं ब्रश कर लूँगी सबसे पहले, और पहली बार कि मैं बिना नहाए कुछ खा रही हूँ, क्योंकि इतना अच्छा मौसम हुआ था तो मम्मी बोली हैं कि पहले नाश्ता कर लो, उसके बाद से साफ़ सफ़ाई करने के बाद फिर नहा लेना। तो मैंने कहा हाँ सही है, संडे भी है और प्लस थोड़ा टाइम भी था, तो मैंने कहा कि पहले इंजॉय करते हैं नाश्ता, उसके बाद अच्छे से साफ़ सफाई होगा, फिर अपना लास्ट में नहाना वगैरह होगा। तो वही मैं ब्रश फटाफट कर रही हूँ, फिर फटाफट ब्रश करने के बाद मैं जाऊँगी, आपको दिखाती हूँ बाहर का व्यू, इतना खूबसूरत है। मैं तो खिड़की के पास बैठ के नाश्ता की थी, बहुत मज़ा आया था पूरी फैमिली के साथ, बहुत अच्छा लगा गाइस। तो चलिए आपको लेके चलती हूँ, दिखाती हूँ। देखिए अभी तक बारिश हो रहा है और कैमरा फोकस ही नहीं कर रहा था, तो इसलिए मैं बहुत डिस्टर्ब हो रही थी। और ये देखिए ऑमलेट बना है, चाय और चपाती भी था, बट मैं नहीं खाई हूँ। तो देख सकते हैं इतना टेस्टी नाश्ता प्लस बारिश, कितना अच्छा लग रहा है ना। और सबसे अच्छी बात ये थी कि आज लाइट भी था, तो डबल डबल खुशी हो गई थी, क्योंकि बारिश होता है तो लाइट अक्सर कट जाता है, बट लाइट थी आज। तो इधर देखिए, इधर हमारे यहाँ सब्जी बन रहा है, आज अंडे की सब्जी बन रही है, बट दूसरे स्टाइल से बन रहा है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, स्टेप बाय स्टेप नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि बीच बीच में मुझे काम भी था, तो काम छोड़ छोड़ के मैं आके ब्लॉग भी बना रही थी। मैं साफ़ सफाई पे फोकस था मेरा, और इन लोगों का खाने पे फोकस था। तो ये लोग देखिए बना रहे हैं, तो प्याज को इधर सरसों का तेल डाल दिया है, तेज पत्ता डाल दिया है, सूखी मिर्च डाल दी है, और बारीक प्याज कट करके डाल दिया है। और ये देखिए जो अंडे को है हमने तोड़ दिया है, और एक ये देखिए लोटे में डाल के और इसमें चटनी पीस के डाल दिया है, इसको अच्छे से मिक्स करके और इसमें गोल गोल जो है उसमें डाल के इसको बना रहे हैं। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी जब डालेंगे। तो ये तो बन चुका था, तो मैं आई थी तो मैंने सोचा कैप्चर कर लूँ, आपको दिखा दूँगी। और सबसे बड़ी गलती तो ये हो गई थी कि मैं फ़ाइनल लुक नहीं दिखा पाई आपको, क्योंकि उस टाइम पार्लर चली गई थी मैं। तो ये देखिए सबसे पहले इसमें डालेंगे हम सरसों का तेल, आप रिफाइंड भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा आपका मतलब जो आप पसंद करते हो। तो सबसे पहले ऑयल डाल देंगे, देन उसके बाद से जो हमने अंडे को मिक्स करके रखा है उसको डालेंगे। देखिएगा कितना खूबसूरत, थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे पर कितना बड़ा बड़ा बन के होगा। तो अगर बहुत सारे मेंबर हैं और अंडे कम हैं तो आप ऐसे भी बना सकते हो। तो देखिए अभी इसमें सारे बाउल में डाल देंगे, और उसके बाद देखिएगा कितना सुंदर बन के निकलेगा। तो जैसे कभी कुछ समझ में ना आए क्या बनाएं, और अंडे को डिफरेंट में खाना हो, तो ऐसे भी आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अलग सब्जी है। शायद आप लोगों ने पहले नहीं देखा होगा, मुझे तो लगता है कि कभी, पता नहीं कि कोई बनाता है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए अभी इसको डाल देंगे, उसके बाद से इसको ढक देंगे 5 मिनट के लिए, और 5 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कितना अच्छा बनेगा। और ये पहले से जो बन के रखा है वो है, तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ कि ऐसे बन के निकला है। ये तो टूट गया था फर्स्ट बैच का, बट अभी सेकंड बैच का दिखाती हूँ मैं आपको। जब तक वो बन रहा है तो मैंने इधर दिखा दिया मम्मी, मेरी
मतलब कि थोड़ा मसाले को भून रही हैं और मैं भी मम्मी को दिखा रही थी, तो मम्मी बोली कि नहीं मुझे नहीं आना, अभी बात नहीं करना। तो ये देखिए ये बन एक साइड से बन गया है, अभी मैं इसको उलट पलट करूँगी तो दिखाती हूँ उलट पलट करके। तो ये देखिए कितना खूबसूरत हो गया है ना, एकदम हल्का ब्राउन, मतलब क्या कलर आया है सुपर। और खाने में भी तो इतना टेस्टी लग रहा था, ऐसे ही खाने में मन कर रहा था सारा खा जाऊँ, पर इसको दही में भी डालना था। तो अभी देखिए कितना टेस्टी बना है, आप लोग बताइएगा सबसे यूनिक रेसिपी है कि नहीं। अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए। देखिए कितना खूबसूरत इसका कलर आया है। तो अभी निकाल के दिखाऊंगी मैं आपको, ये बिल्कुल नहीं टूटा उटा कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोग पहले बैच में बहुत ज़्यादा ज़्यादा उसका बैटर डाल दिए थे, इसीलिए वो मतलब अंडा होता है जैसे कि उसको मतलब डालिए तो वो थोड़ा सा बबल्स निकलता है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हो गया था। बट अभी हम लोगों को समझ में आ गया, तो इसीलिए हम लोगों ने ऐसे थोड़ा थोड़ा करके डाला। उसके बाद आप रिज़ल्ट देख ही सकते हैं कितना खूबसूरत बन के निकला है। तो जब तक इधर बन रहा है मैं मसाले को भी फाइनल टच दिखा देती हूँ, बस मसाला भी भुन चुका है। सो गाइज, उसके बाद मैं पार्लर चली गई थी, सॉरी। सो गाइज, अभी नहा के आ चुकी हूँ और सर धो के नहाई हूँ आज। तो लंच भी बन गया है, नाश्ता भी हो चुका है, साफ़ सफाई भी हो चुका है, सारा काम हो चुका है। अभी नहा के आई हूँ, तो चलिए बाल वाल सुखा लेती हूँ, देन उसके बाद से पार्लर जाऊँगी। तो चलिए कंटिन्यू रहिए ब्लॉग में, मिलती हूँ। सो गाइस, सारा काम हो चुका था, उसके बाद से मैं बहुत अच्छी तरह से सारा काम धाम कर चुकी हूँ। उसके बाद आज सर धो के नहाई हूँ, क्योंकि सारा डस्ट सर पे ही जाता है। तो वही मैं आपसे बात कर रही थी, बट वॉइस बहुत ज़्यादा क्रक कर रहा था तो मैंने म्यूट कर दिया। उसके बाद मैं पार्लर के लिए चली गई थी, किसी क्लाइंट का कॉल आ गया तो फिर मैं फटाफट सारा काम ऐसे ही छोड़ के चली गई थी। तो जब वहाँ गई तो इधर सब लोग लंच कर चुके थे, तो मेरे लिए भिजवाया, तो मैं आपको दिखाती हूँ। सो गाइस, अभी आ गई हूँ पार्लर और थक गई हूँ। पार्लर आके अभी साफ़ सफाई करूँगी, देन उसके बाद से कोई आने वाला है, उनका कॉल आया था तो उनका काम करूँगी और फिर घर चली जाऊँगी। तो चलिए इस ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, और प्लीज़ ब्लॉग को स्किप नहीं कीजिएगा। देखते हैं कि और क्या क्या आगे आगे होगा, और अभी थोड़ी देर में आप लोगों से मैं बात भी करूँगी, तो कंटिन्यू रहिएगा। बताइए भाई, जैसे कि आप देख सकते हैं, फोकस करो कैमरा, जैसे कि आप देख सकते हैं एग वाली सब्जी जो कि आपको दिखाया मैंने वो, और राइस। सो गाइस, मैं अभी लंच कर लेती हूँ, देन उसके बाद आपसे मिलती हूँ, बातें करती हूँ, तो कंटिन्यू रहे। सो गाइज, मैं अभी पार्लर के छत पे हूँ और नीचे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा था, उमस हो रहा था। बारिश के बाद से आपको पता है उमस होता है तो कितना ज़्यादा गर्मी होता है, तो वही हो रहा है। तो मैंने सोचा कि इस ब्लॉग को एंड भी कर लूँ और थोड़ा बहुत आपसे बात भी कर लूँ। तो जैसे कि मैं बताई हूँ कि मैं आगे जाके बताऊँगी आपको कि किस रीज़न की वजह से मैं ब्लॉग नहीं लेके आ रही हूँ। तो मैं आपको बता दूँ सबसे पहले कि आपको पता है मेरी मम्मी का तबीयत ठीक नहीं था, फीवर हो गया था, तो उनको बहुत ज़्यादा ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था। उनको लेके मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, इसीलिए मैं ब्लॉग लेके नहीं आ रही थी। उसके लिए आई एम रियली सॉरी गाइस। और अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली ब्लॉग लेके आऊँ। अब मेरी मम्मी भी बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं, तो जिस दिन मम्मी का मूड होगा मैं वीडियोज़ में लेके आऊँगी, क्योंकि अभी मम्मी मना कर रही हैं कि मुझे नहीं आना है, तो इसीलिए मैं नहीं लेके आ रही हूँ। क्योंकि समझ सकते हैं आप कि इंसान बीमार होता है तो उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, तो वही हालत हो गई है मेरी मम्मी को। तो मैंने सोचा कि आपको बताना भी ज़रूरी है, पर मेरे पास टाइम नहीं हो रहा था कि मैं आपसे बात करूं, आपको बताऊं कि क्या रीज़न है। तो आई होप कि आप लोग समझेंगे और मुझे मेरी फीलिंग को समझेंगे। और आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है गाइस कि प्लीज़ आप मेरी वीडियो को फुल वॉच किया कीजिए और अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, ताकि मैं भी थोड़ा सा इतना हार्ड वर्क करती हूँ, बट थोड़ा सा आप लोगों का प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है गाइस। तो चलिए अब इस ब्लॉग को एंड करती हूँ और यहीं से स्टार्ट करूँगी एक न्यू ब्लॉग। तो प्लीज़ ब्लॉग को स्किप नहीं कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय गाइस। और
कल मिलेंगे एक प्यारा सा ब्लॉग लेके, यहीं से स्टार्ट करूँगी क्योंकि अभी मॉर्निंग से मैंने दिखाया, इवनिंग तक का रूटीन अभी मैं जा रही हूँ, चाय पीऊँगी उसके बाद से स्टार्ट करूँगी यहाँ से ब्लॉग। तो चलिए अभी इस ब्लॉग को यहीं पे, आपने बहुत प्यार सपोर्ट दिया, थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं कल प्यारा सा ब्लॉग लेके, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर इंस्टा पे नहीं है तो मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, जूही 1039। बाय गाइज़।